दोस्तों जियो की तरफ से कुछ नए प्लान्स यहाँ पे निकल के आए हैं जो कि जियो प्रीपेड और जियो फाइबर की कैटेगरी में यहाँ पे निकल के आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं। अब ये जो लीक्स हैं ये मेरे काफ़ी सॉलिड सोर्स से निकल के आए हैं, तो मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से हम लोगों को ये सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए ये किसी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर जियो ऐप पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे प्लान्स की सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं कैशटेक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले प्रीपेड के बारे में बात करते हैं। जो पहला प्लान यहाँ पे प्रीपेड का निकल के आ रहा है वो आ रहा है 198 का। ये हैवीली डिस्काउंटेड प्लान यहाँ पे इन्होंने निकाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो 199 में ये 228 डेज की वैलिडिटी दे रहे थे, लेकिन 198 में आपको 28 डेज एक्स्ट्रा यानी 56 डेज की वैलिडिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो डेटा है वो एग्जैक्टली सेम है, 1.5 GB डेटा, लेकिन इस प्लान का जो USP है वो Amazon Prime हमको देखने को मिलने वाला है। यस, Amazon Prime आपको डिलीवरी बेनिफिट्स और वीडियो दोनों ही बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप लॉग इन कर पाओगे अपने जियो रजिस्टर्ड अकाउंट से। ये सारी डिटेल्स इस प्लान के बारे में अभी तक पता चली हैं। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो प्लान है वो नेक्स्ट वाला प्लान है, जो कि 499 का यहाँ पे इन्होंने निकाला है। और इस प्लान में हमको देखने को मिल रहा है वही एग्जैक्टली 1.5 GB डेटा। वैलिडिटी है वो 56 की जगह 84 डेज कर दी गई है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो 555 वाला प्लान डिस्काउंट होके मिल गया हमको 499 में ऑफिशियली। साथ में जो USP यहाँ पे है वो OTT बंडल्स हैं। अब OTT बंडल में आपको मिल रहा है नेटफ्लिक्स का सिंगल स्क्रीन अकाउंट। यस, नेटफ्लिक्स का सिंगल स्क्रीन अकाउंट आप यूज कर पाओगे अपने सिर्फ मोबाइल पे ही नहीं बल्कि लैपटॉप, TV या फिर टैबलेट पे भी। लेकिन जो डेफिनेशन यहाँ पे रहने वाली है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहेगी, और अगर इसको आप अपग्रेड करना चाहो तो नेटफ्लिक्स के अकाउंट को भी आप अपग्रेड कर सकते हो डिफरेंस अमाउंट पे करके। साथ में जो नेटफ्लिक्स के अलावा जो OTT के प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो वही Amazon Prime और साथ में Hotstar का VIP सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे Hotstar का VIP एक साल के लिए नहीं है ये, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 84 डेज के लिए ही है। तो काफी सही प्लान यहाँ पे निकल के आया। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में बात करें तो एक ही प्लान यहाँ पे निकल के आया है, जो कि है 2199 रुपए का, और इसमें जो वैलिडिटी है वो पूरे एक साल यानी 365 डेज की मिल रही है। अब बेनिफिट क्या है कि वही तीन OTT बंडल यानी नेटफ्लिक्स, Amazon और प्राइम, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो डेटा है, जो 1.5 GB डेटा वहां पे मिल रहा था 499 में, वो यहाँ पे भड़के हो जाता है 2.5 GB डेटा। काफी इंटरेस्टिंग प्लान है भाई, एक साल का कोटा आपका पूरा मिल रहा है, 2.5 GB डेटा भी मिल रहा है, तीनों OTT प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और सिर्फ 2199। जो ऑलरेडी 2399 का प्लान है उससे भी 200 रुपये कम। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग डील लग रही है मेरे को। मैं इस पर शायद 2199 वाला ही रिचार्ज करने वाला हूँ जैसे ये प्लान्स लाइव होते हैं। इसके अलावा अगर मैं फाइबर की बात करूँ तो जियो फाइबर में भी कुछ नए बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स इन्होंने ऐड किए हैं। एक बिल्कुल ही नया प्लान है और दो बीच में इंसर्ट्स इन्होंने करे हैं अपने लाइनअप पे। तो पहले प्लान के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला प्लान है वो सबसे बेसिक, शायद ही इंडिया में इसके अप्रोक्स, इस रेट के अप्रोक्स में कोई फाइबर का प्लान दे रहा होगा, तो ये प्लान है 149 रुपीज ओनली। यस, 149 रुपीज प्लस जीएसटी सारे ही प्लान्स में, फाइबर के प्लान्स में एक्स्ट्रा लगाई जाती है 18%। तो 149 प्लस जीएसटी में आपको जो स्पीड देखने को मिल रही है वो 40 Mbps देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि 399 के प्लान में 30 Mbps की स्पीड मिलती है, तो 149 के प्लान में 40 Mbps कैसे पॉसिबल है? तो रिपोर्ट के अनुसार ये कहना सही है कि ये प्लान अभी टेस्टिंग फेज में है, और इस तरीके से अभी ये 30 दिन के लिए इसको रन करके देखेंगे और देखेंगे कि कितनी पब्लिक इसको ऑप्ट कर रही है। और साथ में यह भी बताया गया है कि जो लोग ये प्लान को पहले ले लेते हैं उनको रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट मंथ से, और अगर कोई नहीं लेता है तो उसको अप्रैल के बाद ये प्लान उनकी ऐप में शो ही नहीं होगा। तो एक महीने का ये बुकिंग पीरियड है। साथ में यह भी बताया गया है कि इंस्टॉलेशन जो है वो 1000 रुपए ली जाएगी इस प्लान पे। साथ में जो सेटअप बॉक्स का प्राइस है वो 1500 सेपरेटली रख दिया गया है। अब जो आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, 1000 रुपए इंस्टॉलेशन आप सिंपली दे दो। इसके बाद नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करें तो 449 का यहाँ पे प्लान निकल के आया है, जिसमें सबसे बड़ा USP जो मुझे लगा वो है कि भैया इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है, आपको एक रुपया भी नहीं देना है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है एक नए कनेक्शन के लिए, और आपको इस प्लान के साथ एक कनेक्शन लगा दिया जाएगा। सेट ऑफ बॉक्स तो नहीं लगेगा लेकिन राउटर लगा दिया जाएगा और आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा, सिर्फ आप सिंपली उसको रिचार्ज करते चलो जैसे अपनी आप सिम पे करते हो। स्पीड के बारे में बात करें तो 449 में आपको 80 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है। अब 699 में 100 Mbps मिल रही थी, तो यहाँ बीच में इन्होंने इंसर्ट बनाया है कि 100 से स्पीड कम कर दो और एक बीच में नया
प्लान घुसा दो, लेकिन यहाँ पे यूएसपी है सिर्फ नए यूजर्स के लिए, पुराने यूजर्स को ये अवेलेबल नहीं होगा। नए यूजर्स के लिए यहाँ पे ओटीटी बंडल में 3 ऐप्स देखने को मिल रही हैं जो प्रीपेड में ये लोग दे रहे थे। सीम्स लाइक जियो ने शायद इन तीनों कंपनी से टाई अप फाइनली कर लिया है और अपने प्लान्स को इंटीग्रेट कर दिया है इन सारे के सारे ओटीटी बंडल्स के साथ। अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये 2 ऐप्स देखने को मिल रही हैं इस 449 वाले प्लान में, और बताया जा रहा है कि फ्री इंस्टॉलेशन है, 1500 रुपये का सेट ऑफ बॉक्स अलग से है, जो लेना चाहे वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो रहने दे। ये प्लान बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, मुझे अभी से ये फीलिंग आ रही है। अब नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करें तो जो टॉप टीयर नया प्लान इन्होंने निकाला है वो हाई स्पीड वालों को टारगेट किया है। और मैंने अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो शायद आपको पता हो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, चीपेस्ट 1 Gbps इन इंडिया। तो उस वीडियो में स्पेक्ट्रा नाम की कंपनी 2500 रुपये में 1 Gbps दे रही थी, लेकिन ये जियो ने उसको भी बीट कर दिया है और 1 Gbps का प्राइस रिवाइज कर दिया है। हम कह सकते हैं जो अभी तक 3999 रुपये का दे रहा था, अब वो कर दिया है 2149 रुपये का, यानी 2149 प्लस GST में आपको मिल जाती है 1 Gbps की स्पीड सिर्फ नए यूजर्स के लिए। ये पुराने यूजर्स के लिए अभी कन्फर्म नहीं है कि भाई वो लोग इस पे कैसे स्विच करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अभी सिर्फ न्यू कस्टमर्स वहाँ पे मेंशन किया गया है, पुरानों के लिए क्या सिस्टम रहने वाला ये अभी तक कुछ भी आउट नहीं है। साथ में अगर ऐप्स के बारे में बात करें तो 12 जो ऐप्स ये लोग सारे ही प्लान्स में दे रहे थे जियो फाइबर की, वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्टेड हैं और ये सारे के सारे ऐप्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में एक USP यहाँ पे ये भी दी गई है, इंस्टॉलेशन तो फ्री है ही है, बल्कि एक फ्री मेश राउटर भी इंक्लूड करके मिलने वाला है, जो कि अभी तक नॉर्मल राउटर डुअल का मिलता ही है, लेकिन एक फ्री वाईफाई 6 इनेबल्ड मेश राउटर भी फ्री देखने को मिलेगा जो लोग इस प्लान को 6 महीने के लिए एडवांस में बुक कर लेते हैं। तो भाई ये कुछ सारे प्लान्स हैं, प्रीपेड के भी तीनों प्लान्स बता दिए, पोस्टपेड के भी, फाइबर के भी तीनों प्लान्स बता दिए, बहुत सही इंटरेस्टिंग डील्स यहाँ पे लग रही हैं। मुझे लग रहा है एयरटेल को बहुत जल्दी काउंटर करना पड़ेगा, अगर ये मार्केट में आ जाते हैं तो बहुत जल्दी लोग इन पे स्विच करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि लोग अपने बेनिफिट्स को सेव करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी रिचार्ज कर लें। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है आप मुझे बताओ कमेंट करके, कि क्या ये प्लान्स वर्थवाइल हैं यूज़ करने के, लॉन्ग टर्म रिचार्जेस करने के लिए या फिर नहीं। लेकिन मुझे जो फील हुआ वो तीनों ही प्लान्स के अगर आप ध्यान से देखो तो ये जैसे ये तीनों प्लान्स हैं, और इसके अगर आप इनिशियल्स देखो तो यहाँ पे निकल के आता है 1/4/21 जो कि होता है अप्रैल फूल्स डे। ये अप्रैल फूल्स वीडियो है, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपके ऊपर एक छोटा सा प्रैंक किया गया है अप्रैल फूल्स का। और अब आप कमेंट करके बताओगे क्या आप ट्रिक हुए, क्या आपको लगा कि ये वैलिड प्लान्स हो सकते हैं या फिर नहीं, आप पहले शुरू में ही समझ गए कि भाई आज कुछ ना कुछ अप्रैल फूल से रिलेटेड हो सकता है इस वीडियो में, या फिर पागल बनाया जा रहा है या फिर कुछ भी, जो भी हो आपके मन में आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक अप्रैल फूल्स प्रैंक वीडियो थी और इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, कुछ उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद मत रखना नए प्लान्स की, इस तरीके के जो भी मैंने बताया सब कुछ हवा में था। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो स्क्रैचटेक सिंधी, सब्सक्राइब का बटन ये रहा, टेलीग्राम का बटन ये रहा, मन हो तो आ जाना। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, टिल देन स्टे सेफ स्टे सकास्टिक, सी या।